शिवसेना के सुप्रीमो मिस्टर उद्धव ठाकरे, हम आपसे एक बात करना चाहते, क्या आप उसका जवाब दोगे? आप क्या कभी किसी जैन समाज के व्यक्ति ने, जैन समाज के साधु ने, जैन समाज के संत ने कभी हिंदू संप्रदाय या किसी अन्य संप्रदाय पर कभी टीका की, टिप्पणी की है? क्या कभी किसी पर जबरदस्ती या जोर किया है? या कभी दंगल उत्पन्न हो इस तरह की भाषणबाजी की है? जब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है किसी जैन संत के द्वारा या जैन श्रावक के द्वारा या जैन समाज के किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तो फिर आपको यह अधिकार किसने दिया है कि आप हमारे जैन समाज के व्यक्ति को ये कहे कि हिंदुस्तान आपका नहीं, भारत आपका नहीं, आप कहाँ जाएंगे? अरे मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहाँ जाओगे? आपकी कीमत क्या है यह जैन समाज जानता है, आपकी कीमत क्या है यह पूरा महाराष्ट्र जानता है। कहाँ बाला साहेब ठाकरे जैसे महान वीर की बात और कहाँ आपकी बात? आपने ऐसी दो कौड़ी की बात करके आपने अस्तित्व की और आपके मूल स्वभाव की जो परिचय है वो समाज को दे दिया। आशा नहीं थी आपसे, उम्मीद भी नहीं थी आपसे कि आप इस तरह से अनर्गल बात का प्रचार करोगे। कौन सा वमन करना चाहते विष का आप जैन समाज के ऊपर? अरे जैन समाज है इसीलिए आप बचे रहे हो। और आपने कहा कि जब भी आपके मुंबई में या कहीं और दंगल हुई तो आपके हिंदू समाज ने या किसी अन्य समाज ने हमारे जैन समाज के श्रावकों का या जैन समाज के व्यक्तियों का सुरक्षा का जिम्मा उठाया। क्या जैन समाज इतना कायर है? क्या जैन समाज इतना नपुंसक है? हम क्षत्रिय धर्मी है, आपने हमारा इतिहास उठा करके कभी देखा नहीं, इसलिए आप लोगों ने हमें बनिया के स्वर पर गिना दिया। आपके शब्दों में बगावत नहीं, छोचापन हमें दिखाई दे रहा है। यदि आपके स्वर में देशभक्ति होती, यदि आपके शब्दों में राष्ट्रप्रेम होता, राजनीति होती तो बात अलग, लेकिन आपके शब्दों में कूटनीति और जहर के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर उद्धव ठाकरे साहब, आप अपने शब्दों को पुनः वापस लीजिए। आपके एक भाई कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं, और आप एक तरफ बोल रहे हो कि जैनियों को अधिकार नहीं हिंदुस्तान में रहने का। अरे किस आधार पर आपने ये बात कही? कौन सा तथ्य है आपके पास? जीव शिवाजी महाराज का नाम लेकर के आपने शिवसेना की डोर अपने हाथ में रखी है। क्या आप छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को जानते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज ने गाय को कटते हुए जिस गाय को काटने वाले कसाई के हाथों को काट दिया, क्या आपको वो इतिहास पता नहीं है? क्या आपको इतिहास पता नहीं? संत रामदास स्वामी और संत तुकाराम को अपना आराधक मानने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को आप भूल गए? यहां पर संतों की गरिमा का आप ध्यान नहीं रखते हो, शाकाहार के ऊपर आपका ध्यान नहीं, किस किस जाति के प्राणियों का आप मांस खाते हो और आपको मजा आ रहा है। एक तरफ तो आप मुसलमानों का विरोध करते हो और मुसलमानों के विरोध करने के ऊपर भी आज जो मुसलमान काटता है गायों को, बकरियों को, भैंसों को, और हमारा जैन समाज यदि पर्यूषण के अंदर सिर्फ 10 दिनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए अहिंसा की मांग करता है, जबकि यह हिंदुस्तान अहिंसक है। मेरे बंधु, मेरा आपसे कोई शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं, लेकिन यदि आप ये कहते हो कि हम बहुत ताकतवर है, तो अभी आपने जैन समाज की ताकत देखी कहाँ है मिस्टर उद्धव ठाकरे साहब? हम आपसे अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आपने ये जो शब्द दिए, जो बकवास शब्द है, इन शब्दों को पीछे ले लीजिए। इसी में जिन शासन की, इसी में हिंदुस्तान की, आपकी और हम सबकी भलाई है। आप क्या कहते हो कि जैन समाज वाले सावधान रहो? अरे आप क्या कर लोगे जैन समाज के लोगों को? मारना चाहते हो? किस आधार से आपने ये धमकी दी? ये तो गुंडागर्दी हुई। क्या गुंडागर्दी आपका तंत्र है? गुंडागर्दी के तौर पर, गुंडागर्दी के तर्ज पर क्या आप अपना शासन और अपना रुतबा कायम करना रखना चाहोगे? यह असंभव है मिस्टर। इतना याद रखो कि हम जैनी हैं, कायर नहीं, नपुंसक नहीं, हम क्षत्रियों के वंशज हैं, महावीर के वंशज हैं। अहिंसा हमारा मूल स्रोत है, अहिंसा हमारा धर्म है। लेकिन इतना याद रखो कि इस अहिंसा की रक्षा के लिए यदि हमारे शस्त्रों को बाजू में रख करके शास्त्रों की परिणति को, शास्त्रों की बातों को भूल करके यदि हमें शस्त्र उठाना पड़े तो यह हमारे लिए असंभव भी नहीं है। हम जैनी हैं, हम हमारी रक्षा करना खुद जानते हैं। और आपने कहा कि आपने जैन समाज के लोगों की रक्षा की दंगल के समय। अरे मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या संसार में ऐसा कोई प्राणी है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना स्वार्थ की सेवा करता है? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना स्वार्थ की सेवा करते हैं। अरे माँ भी जब बच्चा रोता है तब दूध पिलाती, तब तक दूध नहीं पिलाती। और आपने ऐसी बात कर दी कि आपने हमारी रक्षा की, किस आधार पर? कौन से प्रमाण है आपके पास जो आपने ये कह दिया कि आपने हमारे जैन शासन के समाज की और हमारे जैन मंदिरों की सुरक्षा की?
आज तो जाहिर हो गया कि आपके मन में कितना वमन भरा पड़ा है, कितना विष भरा पड़ा है, जो आप किसी भी वक्त निकालने की कुचेष्टा करोगे। कहा बाला साहेब ठाकरे जैसे महान धुरंधर व्यक्ति जो जिन शासन के साधुओं के चरणों में जाकर के बैठते, उनसे अलापते धर्म की चर्चा, खुद मांस का त्याग करने वाले उस बाला साहेब ठाकरे की धरोहर हो आप, और आप उनको अपमानित करना चाहते हो। मेरे भाई, मेरे आपसे कोई बैर नहीं है, ना जैन समाज का कोई व्यक्ति आपसे बैर रखना चाहता है, लेकिन यदि आप हमसे बैर रखना चाहते हो तो आपकी इच्छा, आपकी बलिहारी, हम तैयार हैं हर पक्ष के लिए। आप इतना सोचे और इतना समझे कि हम जैन हैं, कायर नहीं हैं, बनिया व्यापार के कारण हुए। आपने कहा कि बंबई में आप लोग हमारे को जीने नहीं दोगे। अरे एक दिन के लिए मुंबई यदि जैन समाज बहिष्कृत कर देगा तो क्या हाल हो जाएगा, वो आप भी समझे। शब्दों में बहुत जोर होता है। अब ये आपके शब्द यदि नम्रता से उच्चारे हुए होते तो हमारे शब्द भी बगावती नहीं होते। हमने शब्दों को बगावत आकार नहीं दिया है, हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। जिस तरह का आपका प्रश्न था, उत्तर भी उस तरह से आपको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने आपको उस तरह का उत्तर दिया भी नहीं है। धर्म की परिभाषा को आप नहीं समझे। आप महाराष्ट्र की धरोहर का अपमान करना चाहते हो। महाराष्ट्र की धरोहर, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने यवनों से सुरक्षित रखा और सर्वधर्म सम सर्वधर्म मम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने एक छत्र में राज किया, इसीलिए छत्रपति कहलाए। और आप यदि दादागिरी गुंडागर्दी का सहारा लेकर के जैन शासन को, जैन धर्म के हर बच्चे को दबाना चाहोगे तो यह मुमकिन नहीं है मिस्टर। इतना याद रखो, प्रेम भाव से सर्वस्व का आनंद प्राप्त होता है। सिकंदर भी आया, यहां मर गया, दफना दिया उसे, लेकिन वह तलवार के नोक पर हिंदुस्तान पर राज्य नहीं कर पाया। प्रेम की परिभाषा तो प्राणी भी जानता है, और प्रेम से संसार को जीता जाता है। जैनियों ने तो सिर्फ इतनी ही मांग रखी थी कि अहिंसा की रक्षा के लिए, प्राणियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ हमारा धर्म पले, इसीलिए 10 दिनों के लिए पर्युषण के पर्व के समय में हिंसा न हो, कतलखाने बंद हो। हमने तो यह नहीं कहा कि इसकी कतल कर दो, इसको मार दो। हमने तो अहिंसा के स्रोत को जगाया है। क्या आप अहिंसक नहीं हो? क्या आप हिंसा में विश्वास रखते हो? इसका अर्थ तो सीधे सीधे यही हो गया। आपने ये कहा कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, हम कहां जाएंगे? और मैं यही कहता हूं कि यदि हम मुसलमानों के साथ मिल गए, जो असंभव है, यदि हम उनके साथ में बैठ गए चर्चा करने के लिए, तो आप कहां जाओगे? इतना याद रखो, हमारे शब्दों पर ध्यान दो, हम जो कहना चाहते हमारी भावनाओं को समझो। हमने आज तक किसी भी संप्रदाय के, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर, संतों पर या धर्म के भगवंतों पर कभी कुठाराघात नहीं किया, कभी जहरीले शब्दों का वमन नहीं किया। आप भी सावधान रहो, और इसके बाद दोबारा जैन धर्म, जैन शासन के ऊपर अपनी उंगली उठाने की कोशिश, प्रयास कभी मत करना। आप क्षमा मांगे और इस मैटर को क्लोज करें। इसी में आपका हित है, इसी में राष्ट्र का हित है, इसी में महाराष्ट्र का हित है, इसी में भारत भूमि का हित है। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान, जय मां भारती, महावीर भगवान की जय हो।